अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फरीहा आज आपके सामने मुंबई की एक बहुत फेमस डिश पाव भाजी, उसके साथ में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाली हूँ मिसल का। तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी मिसल इन माय स्टाइल, फरीहा स्टाइल। तो उसके लिए मुझे चाहिए, मैंने लिया यहाँ पर सफोला ओट्स पाव भाजी, थोड़ा सा हेल्दी भी होता है ये ओट्स खाने में। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर दो बड़े साइज़ के प्याज, इसको मैंने चॉप कर दिया है। टोमेटो दो लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। और जो मिसल बनाने के लिए है मेरे पास यहाँ पर ये छोटे वाले घाटिए, साथ में ये फरसान है, और ये है पापड़ी। और सूखे मसालों में मैंने लिया है हल्दी आधा चम्मच, और एक चम्मच मैंने लिया है मिर्ची पाउडर, और यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा मीट मसाला, मतलब हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक टी स्पून चाट मसाला, और पाव भाजी है तो ऑफ़ कोर्स बटर तो होगा ही। और साथ में मैंने यहाँ पर लिए है चार पाव, ये दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं जो है वो तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा तेल हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर टेबल स्पून मैंने लिया है, यहाँ पर तीन टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। तेल हमारा और गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज जो है वो डाल रही हूँ। प्याज को हमने पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा सा सॉटे करना है इसको। फ्रेंड्स, ये ओट्स जो है वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, और ये पाव भाजी मसाला ओट्स जो है वो बिल्कुल टेस्ट भी देते हैं, बिल्कुल पाव भाजी वाला। तो थोड़ा सा हेल्दी जो है हम आज ओट्स मिसल पाव बनाएंगे। तो प्याज यहाँ पर मेरी थोड़ी सी पक गई है, ज़्यादा हमने पकाना नहीं क्योंकि मसाले भी इसमें पड़ेंगे, तो ज़्यादा प्याज को पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। तो वो हो गई है, तो इसमें अब मैं टोमेटो ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, सारे सूखे मसाले, लाल मिर्च, मीट मसाला, गरम मसाला और चाट मसाला, ये सब कुछ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नींबू लगा। अब मसाले हमारे सारे इसमें पक गए हैं। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, जैसे मैंने तेल बहुत ही कम डाला था क्योंकि हम ओट्स के साथ बना रहे हैं, तो तेल मैंने इसमें बड़ा कम डाला है। अब इसमें मैं पाव भाजी जो है वो ऐड करूंगी। ये 120 ग्राम की क्वांटिटी में है, तो ये सारा मैंने ऐड कर लिया इसमें। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। वन ट्वेंटी ग्राम पाव भाजी ओट्स के लिए आपको कम से कम 1/4 कप पानी चाहिए, फिर आपके ऊपर है कि उसकी थिकनेस आपने कैसी रखनी है। बिल्कुल
इसकी थोड़ा ग्रेवी टाइप भी इसको रख सकते हैं और इसको सूखा भी बना सकते हैं। लेकिन ये मैं मिसल के साथ इसको सर्व करने वाली हूँ, मिसल इसका बनाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी। एक 120 ग्राम ओट्स के लिए मैंने इसके अंदर 3 कप पानी ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी जो है डाला है। अब इसके बाद इसको मैं लो फ्लेम पे फ्लेम्स की लो करके मैं इसको ढक दूंगी अब थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं पाव की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब तक मेरी भाजी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर अपने पाव को कट लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पर पाव नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर बन लिया है, लेकिन ये मीठे वाले नहीं है, ये नमकीन बन है। और पाव भाजी है तो उस पर बटर तो बनता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बटर जो है वो पहले अंदर भी लगा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, पाव भाजी का जो ये मसाला है ये बिल्कुल रेडी है बनके। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी। इसको मैं थोड़ा सा और लिक्विड करूंगी, थोड़ा सा मैं इसको पानी डाल के, अब मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूं। इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट तक और पकाना है। इसके बाद हमारी पाव भाजी रेडी, फिर मिसल की तैयारी करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये भाजी मेरी तैयार हो गई, बिल्कुल मुझे ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब मैं इसको साइड करके पाव की तैयारी करूंगी। तो हम इस पर भी थोड़ा सा बटर लगाएंगे। जो हमारे पाव है इस तरीके से इसको को थोड़ा अच्छा गर्म होने देंगे हम। तब तक फ्रेंड्स मैं मिसल की तैयारी करती हूँ। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा बटर लगा के पहले ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने का कोई वजह नहीं है, लेकिन जितना ऊपर नीचे बटर रहेगा उतना पाव भाजी खाने में मज़ा आएगा। और इसमें मैंने डाला ये पाव भाजी, ओट्स, अब फ्रेंड्स इसमें मैं Thank you.
जो मिक्सचर है फरसान, ये डाल रही हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा गाठिया, और थोड़ा बटर। इसके बाद मैं इसमें पापड़ी इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैं जो है कटी हुई प्याज, ये प्याज के बगैर तो मिसल पाव का कोई मज़ा नहीं है, फ्रेंड्स। पाव भाजी हो और अगर हम नींबू ना डालें तो उसका कोई मज़ा नहीं है। अब मैं इस पर जो है वो आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरी पाव भाजी विथ पाव बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। प्लीज़ आप भी इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना है। और इस तरीके से शायद मिसल और पाव भाजी का जो कॉम्बिनेशन है ये आपने पहली बार ही देखा होगा, तो मैंने अपने स्टाइल में बनाया और यकीन माने ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आती है तो हर बार की तरह मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी रेसिपी बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।